गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सभी जुड़ेंगे एक बार सेशन में। चलिए फटाफट जुड़ेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए अविनाश कुमार, राहुल जी गुड मॉर्निंग, नमस्ते। राजू यादव गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फटाफट जुड़ेंगे सभी। विमेश, राधे राधे जी, राधे राधे। अंशुल, निकेत, अनिकेत, राधे राधे, राधे राधे जी, फटाफट जुड़ेंगे सभी। चलिए चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हमारा एक नया ही टॉपिक है, दैट इज ईडी टाइप इंस्ट्रूमेंट, दैट इज इलेक्ट्रोडायनामीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। ओके, टुडेज टॉपिक इज ईडी टाइप इंस्ट्रूमेंट। ओके, इलेक्ट्रोडायनामीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। चलिए जी, आज देखते हैं ईडी टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। आज देखता हूं ईडी टाइप क्या होता है। इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रो डायना मो मीटर टाइप, इसी को बोला जाता है एडी टाइप इंस्ट्रूमेंट। इसी को बोला गया एडी टाइप इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोडायनामीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। ओके, नाउ व्हाई दिस? जब पीएमएमसी था तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? एक्चुअली आपको पता है कि सर, जब पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट था वो डीसी को ही मेजर कर पाता था, एसी को तो मेजर ही नहीं करता था। दैट्स व्हाई वी नीड अनदर इंस्ट्रूमेंट, दैट इज इसमें पहला ही सीरीज आता है सर, इलेक्ट्रोडायनामीटर टाइप। अब यहां पहले नामों से जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज को अच्छे से स्टडी करने वाले हैं सर। नाम है इलेक्ट्रो, यहां पे क्या है सर, इलेक्ट्रो है ना, तो इलेक्ट्रो वर्ड से डायनोमीटर। ओके, तो इलेक्ट्रो मतलब है यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक पोल का इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जबकि सर पीएमएमसी में परमानेंट मैग्नेट है ना, वेयर 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 इन पीएमएमसी अगर बात की जाए शॉर्ट में,
अगर मैं बात करूं सर शॉर्ट में यहाँ पे, वेयर इन पी एम एम सी, इन पी एम एम सी परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट यूज्ड, वहाँ पे आपको क्या यूज़ किए जाते हैं? परमानेंट मैग्नेट, जबकि ईडी टाइप इंस्ट्रूमेंट में आपके यूज किए आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल मतलब यहाँ पर एक किसी कॉइल को क्या किया जाएगा जी, किसी कॉइल को इलेक्ट्रिकल सप्लाई देके, किसी कॉइल को इलेक्ट्रिकल से सप्लाई देके पोल का निर्माण किया जाएगा, है ना, इलेक्ट्रिकल सप्लाई देके पोल का निर्माण किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल इसी को बोलते हैं। यानी ध्यान से समझिए सर, जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट था उसका डीसी पे तो मेजरमेंट होता था, एसी पे नहीं होता था। व्हाई नॉट एसी सर? एसी में अगर करंट कॉइल को सप्लाई देते थे तो कॉइल में करंट तो रिवर्स होता था, लेकिन डायरेक्शन ऑफ फील्ड कभी रिवर्स नहीं होता था। क्यों? क्योंकि परमानेंट पोल था। तो ये एक ड्रॉबैक था जिसके कारण टॉर्क जो है आगे की ओर लगातार नहीं बढ़ पाते थे, इसीलिए एसी में मेजर नहीं करता था। अब हम क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट पोल दे रहे हैं, यानी अगर करंट कॉइल में चेंज करेगा, कॉइल के अंदर करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, तो सर हम क्या करते हैं, पोल के भी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। जहां परमानेंट पोल एनएस था उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होता था, पीएमसी में इलेक्ट्रोडायनामोमीटर में करंट के सब डायरेक्शन चेंज होने से कॉइल में, मूविंग कॉइल में अगर करंट का डायरेक्शन चेंज होता है तो पोल भी चेंज हो जाता है, तो टॉर्क लगातार आगे की ओर बढ़ता है। सो अगर डीसी है तब भी मेजर कर लेता, एसी है तब भी मेजर कर लेता। सो यहां पे मैं एक वर्ड और यूज करूंगा, इट मेजर एसी एंड डीसी बोथ, यह एसी और डीसी दोनों को मापने में सक्षम है जी, ये एसी और डीसी दोनों को मापने में दिक्कत है। कोचिंग लेकिन मैं बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख लूंगा, मैं कोचिंग जा रहा हूँ। ओके चलिए चलिए, जय महाकाल जी, जय महाकाल। ठीक है ना, ना अंतर क्या क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल इज यूज्ड, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी बाय प्रोवाइडिंग सप्लाई इन कॉइल, या क्या कह सकता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल क्या होता है, बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल सप्लाई, बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल सप्लाई टू दी क्वाइल वी मेक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल। हम क्या बनाते हैं जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल डिजाइन कर लेते हैं आप। नाउ ये एसी और डीसी दोनों को मेजर करता है, और इसकी क्या खास बात है, कुछ चीजें इसके बारे में लिख देता हूं, आगे अपन डिस्कस करेंगे। कुछ चीजें यहां पे लिख देता हूं, हियर We use air chamber damping to reduce damping
डैम्पिंग को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एयर चैम्बर डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या क्या पहले से अंतर आपको दिखेगा उनकी चर्चा कर रहा हूं, है ना। जब इस इंस्ट्रूमेंट की चर्चा करूंगा आगे, अभी कंस्ट्रक्शन सब आएगा, पर कुछ बेसिक बातें इसके रिगार्डिंग मैं लिख देता हूं कि पीएमएमसी में क्या अंतर था, इसमें क्या है। पीएमएमसी में एडी करंट डैम्पिंग, एडी करंट हम प्रोड्यूस करा के क्या करते थे, हमारा डैम्पिंग खत्म होता था, ठीक है। और यहाँ पे जो है डैम्पिंग आप कैसे खत्म करते हो जी, बाय यूजिंग एयर चैम्बर डैम्पिंग, है ना, बाय यूजिंग एयर चैम्बर डैम्पिंग। तो कंट्रोलिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, एंड हमारा थर्ड वन क्या था जी, कंट्रोलिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड डैम्पिंग टॉर्क। ओके चलिए नेक्स्ट, जो ओसिलेशन होता है नेक्स्ट, यहां पे क्या और अंतर मिलेगा पीएमएमसी में, इट गिव्स ये जो देता है जी, या क्या देता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बातें हैं। इट गिव्स नॉन यूनिफॉर्म स्केल, नॉन यूनिफॉर्म स्केल देता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इट गिव्स नॉन यूनिफॉर्म स्केल, यानी कहीं ना कहीं थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर के रेंज में रहता है, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर के रेंज में रहेगा जी। इनका भी आपको ख्याल रखना है, इनका भी ख्याल रखना है। एक बार आपके ग्रुप में मैं दे देता हूँ डाटा को, एक बार आपके ग्रुप में दे देता हूँ। चलिए ठीक है, चलिए चलिए। तो कहीं ना कहीं थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है, अगर आई होता तो लीनियर होता, आई स्क्वायर है तो क्या होता है जी, थीटा का स्क्वायर होता है। तो इलेक्ट्रोडायनामीटर की बातें कुछ ऐसी है, अब हम इसके बारे में पूरा देखेंगे। जैसे कि हमने पीएमएमसी में देखा एज इट इज, यहां मैं कैलकुलेट करूंगा एडी टाइप में, ठीक है। चलिए आरएमएस मीन करता है, बिल्कुल जी आरएमएस करता है ना, या एसी अगर रीड करता है तो इसका मतलब आरएमएस ही है, और डीसी भी रीड कर लेता है मतलब एवरेज भी है। ओके नाउ कंस्ट्रक्शन, नाउ कंस्ट्रक्शन देखना है जरा इसको, आपको इसका कंस्ट्रक्शन देखना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ एडी टाइप इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट होगा जी, प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट होगा। आइए पीएमएमसी और इसको कंपैरिजन करते हुए आपको आगे देखना है, यहां पर पीएमएमसी और इसको कंपैरिजन करते हुए यहां पे देखना है आपको। चलिए एक लाइन लेना है आपको, आइए लाइन लेना है आपको यहां से, देखिएगा यहां पर क्या किए जाते हैं वाइंडिंग। परमानेंट मैग्नेट में भी एक कॉइल था यहां पे, यहां भी सर एक कॉइल होगा, यहां भी कॉइल होगा, यहां भी कॉइल होगा सर, यहां भी कॉइल रहेगा। चलिए एक वायर तो हमने ऐसा देख लिया, यहां पे एक चीज और ध्यान रखना, मैंने पहले भी आपको बताया था कि पीएमएमसी का सिर्फ एमीटर और वोल्टमीटर बनता है। पीएमएमसी का क्या बनता है सर, सिर्फ एमीटर और वोल्टमीटर बनता है, जबकि ईडी टाइप का क्या क्या बनता है सर, इसको भी देख लेना एक बार, जरूरी है सर। जब ईडी टाइप इंस्ट्रूमेंट की बात होगी तो इसके क्या क्या बनते हैं सर, ये यहाँ पे जरूर मेंशन कर लीजिए एक बार, दिमाग में रहे आपके, है ना, इसके क्या क्या बनते हैं। आइए जी इसके क्या क्या बनते हैं ध्यान रखिएगा, अभी मैं लिख देता हूं सर। इसके बनते हैं एमीटर,
इसके बनते हैं वोल्ट मीटर और इसके बनते हैं वाट मीटर, ये भी ध्यान रखना। एडी टाइप इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके आप एमीटर भी बना लेते हो, वाट मीटर वोल्ट मीटर भी बनाते हो और वाट मीटर भी बना लेते हो, तो ये भी एक बढ़िया बात है। सर आपका ड्राइंग बहुत अच्छा है, ओके शो। चलिए तो ये भी चीज एक क्लियर हो गया, थैंक यू जी। तो ये भी है, पीएमएमसी का सिर्फ एमीटर बन रहा था और वोल्ट मीटर बन रहा था, यहाँ एमीटर वोल्ट मीटर एंड वाट मीटर तीनों बनते हैं, ठीक है। आइए इसको अच्छे से डिस्कस करना है। तो सर जब एमीटर वोल्ट मीटर होगा तो इसके वायर कोई और कनेक्शंस का होगा, लेकिन जब वाट मीटर बने तो आपको पता है उसमें पॉइंट कितने होते हैं, पॉइंट बढ़ जाते हैं। एमीटर वोल्ट मीटर में सिर्फ दो तार चाहिए, लेकिन वाट मीटर में अंदर सर आपके टोटल एक न्यूट्रल कॉमन पॉइंट से अगर दो वायर निकाले टोटल चार चाहिए। कितने चाहिए सर? चार, नहीं तो थ्री पॉइंट के ही होते हैं, तो चार चाहिए अगर कॉमन को दो वायर से आप कनेक्ट करते हैं तो। लेकिन यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा जी, यहां पे देखिएगा, अब क्या करना है सर? अब ये करना है, ये करना है, जहां पे परमानेंट पोल हुआ करता था वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट पोल डालना है सर। जहां पे परमानेंट पोल हुआ करता था वहां पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल डालने होंगे, तो परमानेंट पोल के जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल, मतलब ये रहा जी, यहां पे क्वाइल से पोल उत्पन्न कराया जाए, ना कि परमानेंट पोल रख के यहां कॉयल से उत्पन्न कराया जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक वायर यहां पे आया, अब देखिए एक वायर यहां पे आया, फिलहाल मैं इसको ऐसे ही लेके जा रहा हूं, ऐसे ही लेके जा रहा हूं, ओके, इससे कनेक्ट कर रहा हूं फिलहाल, है ना। अब आइए कितने तार हैं सर? दो तार हैं और दो ये तार हैं, अब समझिएगा, इसीलिए इसके एमीटर और वाट मीटर बना लेते हैं सर। यही तार वायर अगर इस दोनों के इसके सीरीज में जुड़ जाए, ध्यान से समझिएगा, आगे मैं बताऊंगा एक एक चीज करके, यही वायर अगर इस मूविंग कॉइल के सीरीज में जुड़ जाता है तो बनते हैं एमीटर वोल्ट मीटर, क्योंकि दो ही तार चाहिए, तो इसके एक सीरीज में जोड़ के इसे घुमा के तब निकालते हैं। अगर आपको वाट मीटर बनाना होता है तो एक होते हैं मूविंग कॉइल और एक होते हैं फिक्स्ड कॉइल, ये तो दोनों अलग अलग तार से बनते हैं वाट मीटर, क्योंकि तारों की संख्या भी वहां पे वायर की संख्या बढ़ जाती है, ओके। इतना तो अपने को कॉमन सेंस है कि सर वाट मीटर बनेगा तो तार ज्यादा होगा तो दोनों कॉइल अलग अलग रहेंगे, लेकिन जब एमीटर वोल्ट मीटर होगा तो इसको सीरीज में कनेक्ट करके अपन क्या करते हैं, एमीटर वोल्ट मीटर बनाते हैं। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं पहले एक एक चीज को। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में क्या था जी? यहां पे कोर इस्तेमाल किया गया था, क्या? आयरन कोर। यहां पे क्या है? एयर कोर का इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं जी? एयर कोर का इस्तेमाल करते हैं। यहां भी क्या होता है सर? एयर कोर का इस्तेमाल होता है, ध्यान से समझिएगा जी, यहां भी क्या होता है? एयर कोर, मतलब कि कोई ऐसा नहीं कि लोहा पे हमने वाइंडिंग को लपेटा, बिल्कुल नहीं, एयर कोर का इस्तेमाल किया था, मतलब जो एक कॉयल कॉयल है उसको आपने ऐसे ही मेड़ दिया है, उसके अंदर बस प्लास्टिक रख दो तो वो एयर कोर ही हुआ। ऐसा नहीं कि कॉयल को ऐसे ही लपेट के रख दो, मैं नहीं कह रहा, बट उसके अंदर अगर प्लास्टिक रखते हो तो वो एयर कोर है, क्योंकि प्लास्टिक कंडक्शन नहीं करता, मतलब प्लास्टिक फील्ड को सपोर्ट नहीं करता, ना तो करंट को सपोर्ट करता है ना फिर फील्ड को सपोर्ट करता है। तो इसके नीचे अगर मैं कहूँ प्लास्टिक भी रख दिया तो बस एक सपोर्ट के लिए किया, लेकिन वो फ्लक्स के रास्ता में सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करता, तो इसी को बोलते हैं एयर कोर। क्या बोलते हैं जी? एयर कोर, है ना। नाउ अब समझिए, ऑब्वियसली बाकी आपको पता है कि सर पॉइंटर तो इसी से अटैच होता है, बिल्कुल जी, पॉइंटर तो इसी से अटैच होता है, पॉइंटर इसी से अटैच होगा सर, स्प्रिंग भी तो यही होता है, बिल्कुल जी, स्प्रिंग भी आपका यही होता है, सर ज्वेल एंड बियरिंग भी यही होगा इसके ऊपर, फाइनली ज्वेल एंड बियरिंग भी यही होगा, ज्वेल एंड बियरिंग भी यहां होगा, ज्वेल एंड बेयरिंग भी यहां होगा, है ना, ज्वेल एंड, सर 3D में दिखा दीजिए। अरे पहले देख तो लो, पहले यहां बनाओ, 3D में पीएमसी का बताया था ना, 3D में पीएमसी का बताया था ना। चलिए नौ नौ मैं कहूं कि यहां भी, यहां भी स्प्रिंग होगा, बिल्कुल होगा,
बिल्कुल होगा सर, 3D में यहाँ भी होगा, एक पिक्चर में दिखाऊंगा, हालांकि एक पिक्चर आपको दिखाऊंगा, तो देखिएगा बारीकी से, है ना। अब देखिए क्या होगा, ये है हमारा, इसको कहते हैं फिक्स्ड कॉइल, इसको क्या बोलेंगे जी, फिक्स्ड कॉइल। कंस्ट्रक्शन को बारीकी से देखना है, चाहे वक्त क्यों नहीं लग जाए। ये भी है फिक्स्ड कॉइल, ये भी क्या है सर, फिक्स्ड कॉइल, फिक्स्ड कॉइल, ये रुका हुआ कॉइल है, जबकि दूसरा कॉइल क्या है, मूविंग कॉइल है। ये वाला कॉइल क्या है जी, मूविंग, यही घूमेगा तो पॉइंटर घूमेगा, ये है हमारा मूविंग कॉइल। अगर इसकी बात की जाए तो ये है मूविंग कॉइल, ये है मूविंग कॉइल जो घूमता है। तो दो कॉइल यहाँ पे यूज होते हैं, इसीलिए ये जो वर्क भी करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। सो इलेक्ट्रोडाइनमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, हियर टू कॉइल इज यूज, वन कॉइल इज दिस, ये दोनों सीरीज में चाहे कनेक्ट, यदि ये सीरीज में कनेक्ट कर दिए तो मैं कहता हूं वन कॉइल इज, ये कॉइल वन है, ये कॉइल वन है, और ये कॉइल टू है, ये वाला कॉइल टू है। अब ये भी कॉइल जो फिक्स्ड कॉइल है वो आधे आधे भागों में बांटा गया, आधा फिक्स्ड कॉइल यहां और आधा फिक्स्ड कॉइल यहां। तो इस फिक्स्ड कॉइल को फिक्स्ड कॉइल बाय टू लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, या इस फिक्स्ड कॉइल को भी टू लिख सकते हो, आधा फिक्स्ड कॉइल यहां और आधा फिक्स्ड कॉइल हमने यहां यूज किया हुआ है। ओके, अब देखिए इंस्ट्रूमेंट के बारे में, अब हमने क्या रहा सर, सप्लाई देंगे तो करंट भी जाएगा, सप्लाई देंगे तो पोल भी निर्माण हो जाएगा, लेकिन जब टीडी और टीसी उत्पन्न हुआ, स्प्रिंग टीसी उत्पन्न कर देगा, तो ओसिलेशन डैम्पिंग कंट्रोल कौन करेगा। तो वहां पे होता था पीएमएमसी की में, अगर बात करेंगे तो हमने पढ़ा है सर, पीएमएमसी के अंदर होता था हमारा एडी करंट डैम्पिंग, लेकिन यहाँ एडी करंट डैम्पिंग नहीं करेंगे, यहाँ एयर चैम्बर डैम्पिंग, इसीलिए पॉइंट में मैंने लिखाया कि क्योंकि ये उससे अंतर है, यहाँ एयर चैम्बर डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं जी, एयर चैम्बर डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो एयर चैम्बर डैम्पिंग भी आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो आइए सर एयर चैम्बर डैम्पिंग को दिखा देते हैं। यहाँ पे एयर चैम्बर डैम्पिंग को कुछ इस तरीके से आप दिखा दीजिए, यहां पे एयर चैम्बर डैम्पिंग को, ये कंट्रोल करता है जी, इसी को कंट्रोल करता है, इस पिस्टन को, पिस्टन के सडन चेंज का विरोध करता है ना, इसके बारे में हमने स्टडी भी कर लिया है, एयर चैम्बर डैम्पिंग इसी को बोलते हैं, एयर चैम्बर डैम्पिंग इसको बोलते हैं, एयर चैम्बर, इसके अंदर एयर भरा रहता है, डैम्पिंग, एयर चैम्बर डैम्पिंग, एयर चैम्बर डैम्पिंग, इसके अंदर एयर भरा रहता है, पहले डिस्कस कर रखा हूं, एयर चैम्बर डैम्पिंग, ये ओसिलेशन को कंट्रोल करता है, ओसिलेशन को क्या करता है जी, कंट्रोल करता है। ओके, चलिए सर, फिक्स्ड कॉइल को ही करंट कॉइल कहते हैं सर, मैं अभी बात करूंगा, बिल्कुल बात करूंगा, बिल्कुल करंट कॉइल फिक्स्ड कॉइल को ही करते हैं, इस सब की चर्चा मैं करूंगा, ऐसा मेरे पढ़ाने के बाद ऐसा कोई चीज नहीं रहेगा कि आपके क्वेश्चन ही नहीं बचेंगे कि अब पूछना क्या है, सब कुछ समझ गए, है ना। चलिए, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है शाकिब शाह बोल रहे हैं, ग्रेट टीचिंग, लव यू फ्रॉम पाकिस्तान। ओके, अनदर शाकिब, आपके ग्रुप में कई ऐसे बच्चे हैं जो लगातार ऑब्जर्व करते हैं, शाहिद है और भी कई बच्चे हैं, चलिए अनदर यू, थैंक यू एंड वेलकम सर आपका इंडिया प्लेटफॉर्म पर भाई। चलिए ओके, नेक्स्ट सर, मेजरमेंट की पूरी क्लास होगी यहाँ पर, नहीं पूरी क्लास नहीं होगी, बेसिक लेवल का जितना मेजरमेंट का है मैं उसको कवर कर दूंगा, बेसिक लेवल का, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा क्योंकि आगे बहुत कुछ है मेजरमेंट में, है ना सर। एयर चैम्बर डैम्पिंग से हिस्टेसिस एंड एडी करंट इफेक्ट नहीं होता, नहीं इस पर अभी हम कोई नहीं, इस पर कोई इसका इफेक्ट नहीं होता जी, ये तो हमारा क्या है, कंट्रोल, यानी ओसिलेशन के टाइम ओसिलेट करेगा, रुक जाएगा, इंस्टेंट काम होता है, रोकता है काम, खत्म। चलिए हाय हाय हेलो, चलिए तो ये हमारा फिक्स्ड कॉइल है, ये मूविंग कॉइल है, सबके बारे में मैं जिक्र करूंगा, सबके बारे में जिक्र करूंगा, सबके बारे में जिक्र करूंगा जी, है ना, वो आप बहुत अच्छे पढ़ाते हो मौर्या जी, ओके थैंक यू जी, थैंक यू।
यहां एक चीज लिखा देता हूं मैं, एडी टाइप इलेक्ट्रो डायनामो मीटर, इलेक्ट्रो डायनामीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रो डायनामीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछ लेता है, इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है किसके किसके बीच, किसके किसके बीच, बिटवीन बिटवीन फिक्स्ड क्वाइल, बिटवीन फिक्स्ड क्वाइल एंड मूविंग क्वाइल, बिटवीन फिक्स्ड क्वाइल एंड मूविंग क्वाइल। ओके चलिए 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 सर, अब चलिए ये भी मामला हो गया। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। मैं एक इमेज दिखाता हूं, वेट अ सेकेंड, एक पिक्चर दिखाता हूं फिलहाल, मैं इसके तो वीडियो नहीं है फिलहाल, अभी पिक्चर देखिए, एक पिक्चर देखिए, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। दिस इज एडी टाइप इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोडायनामीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। आई होप ये पिक्चर मेरे ड्रॉ करने से ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा, देखिएगा। देखिएगा जी, ये देखिए पोल है जिसको सप्लाई देके पोल का निर्माण कराया जाता है। यहाँ पे एन पोल है, यहाँ पे एस पोल, मतलब कोई एक मैं एग्जांपल लूंगा कि एन का इधर हेल्प लेना है तो इधर एस बनाइए, है ना, ये हमने इसका सहारा लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने दूसरा वाइंडिंग कर दिया, यहाँ पे क्या किया जी, दूसरा मूविंग कॉइल दिया, स्पिंडल का इस्तेमाल किया, स्प्रिंग का इस्तेमाल किया, स्प्रिंग यहाँ भी होगा, एक ही जगह दिखाया इन्होंने, पर एक जगह नहीं जी, दोनों जगह स्प्रिंग होंगे। ओके नाउ ये इससे अटा, ये देखिए पॉइंटर है, ये इसका स्केल है। ओके अब देखिए वायर कैसे कनेक्ट है सर, ये इसका वायर इससे कनेक्ट है सर, आपने तो दोनों निकाल दिया, मैं इसलिए दोनों निकाला, आपको पहले भी बताया कि देखिए अगर आप एमीटर या वोल्टमीटर बनाएंगे तो इसको कनेक्ट कर देंगे सीरीज में, क्योंकि दो ही तार की जरूरत होती है, लेकिन जब आप वाटमीटर बनाएंगे तो चार तार चाहिए आपको, एक कॉमन वाला लगा के दो और दो मेन, तो टोटल चार तार चाहिए, तो तब कंडीशन में दो इससे निकालते हैं और इनको इनको सीरीज में करके दो इससे निकालते हैं, तो बन गया ना वाटमीटर वाला कंडीशन और एक बन जाते हैं एमीटर की कंडीशन। ओके हाँ क्यों नहीं होगी, करिए, लेकिन मैं आप देखियो कंप्लीट ना, बेसिक जितना मेजरमेंट का होता उतना मैं करा दे रहा हूँ, आगे बहुत कुछ है मेजरमेंट का, ऐसे मैं मेजरमेंट कराऊँ तो कम से कम मेजरमेंट में 70 क्लास होंगे, है ना, मेजरमेंट कराऊंगा तो 70 क्लास हो जाएंगे सिर्फ थ्योरी थ्योरी के, तो इतना मैं नहीं करा पाऊंगा ना, इतना कराऊंगा तो मुश्किल हो जाएगा, है ना, इतना नहीं करा सकता, 70 क्लास अप्रोक्सीमेट आपके मेजरमेंट में जाएंगे, लेकिन इतना नहीं करा सकता मैं, है ना, यू नो कि मुझे भी अपनी लिमिटेशंस होती है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे तकरीबन 25 क्लास आपको ऐसे मिल जाएंगे बेसिक बेसिक से, जिससे मेजरमेंट काफी अच्छा हो जाए। ठीक है चलिए, तो ये आपने इमेज से देखा, यही चीज मैंने यहाँ पे बनाया है, यही चीज हमने वहां पे यहाँ पे बनाया हुआ है। अब ध्यान से समझिएगा जी, अब ध्यान से समझिएगा, पीएमएमसी में जो कोर था इसको हटा लिया, अब देखिए क्या है सर, सप्लाई जो आप दोगे, अगर मैं बात करूं सर एमीटर और वोल्टमीटर बनाना है, अगर मैं बात किसकी करूं सर, अगर मुझे बनाना है
एमीटर या वोल्टमीटर, ध्यान रखिएगा सर, एमीटर या वोल्टमीटर। तो ये जो तार है ये कैसे जुड़ेंगे सर? तब तो सीरीज में कनेक्ट करा लो, क्योंकि दो ही तार चाहिए। तो फिक्स्ड कॉइल से होते हुए ये जाता है मूविंग कॉइल में, और मूविंग कॉइल से होते हुए फिर जाएगा फिक्स्ड कॉइल में और लौट के आएगा। तो सर बनाइए, कैसे बनाएंगे सर? अगर आपको यही इंस्ट्रूमेंट को जोड़ना कुछ ऐसा होगा तो कैसे जोड़ेंगे ये देखिएगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर सर आप एमीटर की बात करोगे और वोल्टमीटर की बात करोगे, तो देखिएगा सर ये वायर गया, ये चला जाएगा किस में सर? मूविंग कॉइल में। कहाँ चला जाएगा जी? मूविंग कॉइल में। एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड। हाँ सर, सर क्लास हुई था। चलिए 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 चलिए, हाँ ऐप में कंप्लीट है जी, ऐप में कंप्लीट है। सो अगर मैं बात करूं यहां पे कि ये वायर इससे कनेक्ट होगा, फिर ये लूप कंप्लीट होगा, उसके बाद किस में जाएगा सर? इसमें चला जाएगा। कहां जाएगा? इसमें चला जाएगा। ओके, ये वायर का कनेक्शन इसमें चला गया, अब इससे लौट के फिर आएगा, और ये वाला जो ब्लैक वायर है, अगेन ये जो ब्लैक वायर है ये लौट के आ गया। तो आपको कितने तार मिले? दो ही तार। तो एमीटर हो या वोल्टमीटर हो, ऐसे कंडीशन में वायर की संख्या सिर्फ दो रहती है, तो दो ही वायर इस तरीके से हम निकालते हैं। लेकिन जब बात वाटमीटर की हो जाती है, जब बात वाटमीटर की हो जाती है, तो सर ये तार हम जो सीरीज में कनेक्ट करते हैं इसको हटा लेते हैं, है ना। तब क्या करेंगे, एक फिक्स कॉइल को फिक्स के साथ जोड़ेंगे, जो कि हमारा कौन सा बनेगा जी? करंट कॉइल बनेगा, और जो मूवेबल कॉइल होगा पोटेंशियल कॉइल उसको अलग निकालते हैं, ताकि हम लोड के क्रॉस सप्लाई के क्रॉस चीज़ों को आराम से डाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, सो आई होप सो कि ये चीज़ें भी आपको क्लियर हो चुका होगा, ये चीज़ भी क्लियर हो चुका होगा कि दो वायर कभी देखते हो यहाँ जुड़ा रहता है, कभी चार वायर निकल जाते हैं, तो ये क्लियर हो चुका है। नाउ बेसिक फैक्ट्स हमने बात किया यहाँ पे, अब समझिएगा यहाँ पे होता क्या है इसमें। अब एक एक चीज बातें करूंगा सर। यहां पे जब आप सप्लाई दोगे, यानी जब कहीं मीटर में करंट मापोगे, तो ऑब्वियसली यहां से करंट जाएगा। ये काम कैसे करता है हम इसकी भी चर्चा कर लेंगे, वर्किंग कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक चीज। जैसे कंस्ट्रक्शन में पीएमएमसी है क्या किया, कुछ चीजें वहां से डिफरेंस है, वहां पे परमानेंट कॉइल था, परमानेंट पोल था, यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, ये मूविंग कॉइल था, यहां भी है। ओके, नो स्प्रिंग था, यहाँ भी है, वहाँ पे हम एडी करंट डैम्पिंग यूज करते थे, यहाँ पे ये। तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन के बारे में दो चार लाइन में लिखाऊंगा, है ना, और उसके बाद वर्किंग इसका इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वाटमीटर का बताऊंगा ना मैं, बताऊंगा जी, बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा, है ना, बिल्कुल बताऊंगा जी, डोंट वरी, बिल्कुल बताऊंगा, वाटमीटर भी बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए, ये तो इसका कंस्ट्रक्शन से आप समझ गए। तो चलिए इसके बारे में मैं एक बार मेंशन कर देता हूं, ये कौन क्या है हियर, जो जो चीज मैंने यूज किया है कंस्ट्रक्शन के अंदर, है ना, हियर, बस दो दो लाइन करके इसको निकालते हैं, है ना, हियर कंस्ट्रक्शन से बेहतर है, कंस्ट्रक्शन से बेहतर है। कंस्ट्रक्शन में देखिए मूविंग कॉइल है, ये सब लिखिए, एक लैंग्वेज ले रखे, मुझे लगता है कि लैंग्वेज लिखने से कहीं बेहतर है इसके वर्किंग को बताऊं बढ़िया से। लैंग्वेज में यहाँ कोई नीड नहीं है लैंग्वेज की, ठीक है, लैंग्वेज की यहाँ कोई नीड है। सर स्प्रिंग का क्या काम है, क्या मैं पीएमसी में नहीं बताया हूँ? पॉइंटर का क्या काम है, पीएमसी में बताया हूँ। ये किसका क्या काम है, पीएमसी में बताया हूँ। एयर कॉइल ये मूव करेगा, ये मूव करेगा, तो ये इससे अटैच है तो ये मूव करेगा, ये सब बताया हूँ। और यहाँ से इसकी वर्किंग प्रॉपर बता देता हूँ, तो मुझे लगता है वर्किंग बता दो वो ज़्यादा बेहतर है। सबका काम बाकी आप जान रहे हो सर, सबका काम जान रहे हो। एयर चैम्बर का बारे में पहले बताया था, आप बताओ कि पहला दूसरा लेक्चर जब मैं बात किया था हमने, तो डैम्पिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क की बात होती थी, है ना। जब इन टॉर्क की बात होती थी तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है सर, इन ये भी एक ऐसा टॉर्क है जो डैम्पिंग को कंट्रोल करेगा, यानी पॉइंटर के वाइब्रेशन को, ऑसिलेशन को रोकने का काम ये भी करता है जी, बिल्कुल पता है ना। चलिए, सारा चीज आपको पता है, तो मैं यहाँ पे वर्किंग में जाऊंगा, वर्किंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वर्किंग ऑफ एडी टाइप
इंस्ट्रूमेंट। वर्किंग क्या होगा उनकी चर्चा कर लेता हूं जी। फोर एमीटर एंड वोल्ट मीटर, फोर एमीटर एंड वोल्ट मीटर कनेक्ट फिक्स्ड क्वाइल एंड मूविंग क्वाइल इन सीरीज। आपको किस में कनेक्ट करना पड़ेगा जी? दोनों को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, हमेशा करंट कॉइल और मूविंग कॉइल को आपको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, वर्किंग देखिए जी, काम कैसे करता है फिर इसके लैंग्वेज में दिखाएंगे। सर देखिए, जब आप यहां पे सप्लाई दोगी, काम कैसे करेगा देखिएगा ध्यान से। जब यहां पे सप्लाई जाएगा, मान लो कोई लोड है उसको मापना है, कंसीडर करिए। मान लो ये कोई बल्ब है, आपने कोई सप्लाई दिया हुआ है एसी का ही, है ना। अगर ये करंट जा रहा है, ये अपना ग्लो कर रहा है, ये बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपने किसी ने कहा कि इसके करंट को मापना है, तो करंट को मापना है तो यहाँ सीरीज में क्या लगाएंगे? एमीटर। सीरीज में क्या लगा देंगे जी? एमीटर। तो जो एमीटर लगाओगे तो इसके ये वाले तार कहीं ना कहीं उसी इंस्ट्रूमेंट से जुड़ेगा। यानी ये जो सीरीज में लग रहा है ये कहाँ जुड़ेगा सर? इस तार से। और इस तार से जुड़ा तो इंस्ट्रूमेंट में सप्लाई चला गया, इस तार से जुड़ते इंस्ट्रूमेंट में सप्लाई चला गया। अब उसी सप्लाई की बात कर रहा हूं मैं। आइए सर, जैसे ही ये सप्लाई गया तो देखिए, मैं कहता हूं देखिए, हालांकि हर फील्ड में एनएस अपने आप का बनता है। हर देखिए, मैं बात कर रहा हूं क्या, उसको समझिए। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर एक पोल आपने यहां बनाया और दूसरा यहां बनाया, तो मैं अक्सर क्या लिखता हूं, यहां लिखता हूं एन तो यहां होगा एस, यहां लिखता हूं एन तो यहां लिखूंगा एस, होगा एन एस। तो बच्चे कहेंगे सर हर क्वाइल अपने आप में एनएस डेवलप करता है। क्या बच्चा कहेगा? कि हर क्वाइल सर अपने आप में एनएस डेवलप करता है, तो खाली एनए क्यों लिखते हो आप जी? मैं कहूंगा बिल्कुल श्योर, अगर किसी क्वाइल की आप बात करोगे तो हर क्वाइल अपने आप में एनएस उत्पन्न करता है, हर क्वाइल अपने आप में एनएस उत्पन्न करता है किया। पर मैं वर्किंग समझाने के लिए इस एस को रिप्रेजेंट नहीं करता, इस एन को रिप्रेजेंट नहीं करता, मैं ये कहता हूं कि ये एन और ये एस है, तो ये डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स हमारा ये रहेगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स हमारा ये रहेगा। हम इस चीज को बताने की हमेशा कोशिश करते हैं, हमेशा हर क्वाइल कोई भी है तो वहां एनएस डेवलप होगा। तो वाइंडिंग कुछ ऐसा रखते हैं कि यहां एन डेवलप हो, और ऐसा वाइंडिंग अगर वहां एन डेवलप हो रहा है तो यहां वाइंडिंग ऐसे उलट देंगे ताकि यहां क्या उत्पन्न हो, एस हो। हालांकि यहां भी एन होगा, यहां भी एस होगा, तो जब यहां एन है यहां एस है तो फ्लक्स का डायरेक्शन ये रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिर्फ वो देखते हैं जो यूजफुल हमारे लिए है। वर्किंग को समझने के लिए जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ हम उसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, वरना तो यहां एस डेवलप होगा ही होगा और यहां एन डेवलप होगा ही होगा। ओके, आइए सो अगर मैं बात करूं कि यहां से अगर करंट गया, मान लो एसी करंट ही गया है, या तो सर यहां पे क्या डेवलप होगा? एन पोल। यहां पे क्या डेवलप होगा? एन पोल। और यहां पे यही करंट होते हुए गया है तो यहां क्या डेवलप होगा जी? एस पोल। यहां पे क्या डेवलप हुआ? एस पोल। अब समझिए, जब यहां एन पोल डेवलप हुआ और यहां एस पोल डेवलप हुआ तो क्या हुआ? और इस पाथ से तो करंट जा ही रहा, इस पाथ से तो करंट यदि ऐसे गया, अब इससे करंट ऐसे चढ़ा, इस कॉइल से करंट ऐसे चढ़ा, है ना, इस कॉइल से करंट ऐसे चढ़ा, यहां से करंट ऐसे गया, है ना, और ऐसे घूम घूम के फिर फाइनली यहां गया। यहां हमने बना के रखा है एस। तो अब समझिए मशीन कैसे काम कर रहा है। अगर ये पोल एन बना, ये पोल एस बना, तो फ्लक्स का डायरेक्शन ये रहा सर। फ्लक्स का क्या डायरेक्शन रहा? ये रहा। करंट का क्या डायरेक्शन सर? ये रहा। करंट का क्या डायरेक्शन यहां? ये रहा।
तो समझिए टॉर्क, ये कंडक्टर एक महसूस क्या करेगा, टॉर्क। ये कंडक्टर क्या महसूस करेगा, टॉर्क महसूस करेगा। लगाइए टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क फ्लेमिंग लॉ क्या होगा, करंट ऊपर की ओर, ये फिंगर किस चीज को इंडिकेट करता है सर, करंट को। ये किस चीज को इंडिकेट करता है सर, फ्लक्स को। ये किस चीज को, फ्लक्स को। और ये किस चीज को इंडिकेट करता है सर, टॉर्क को। तो श्योर है टॉर्क हमारा कहां उत्पन्न हो रहा है सर, नीचे की ओर। टॉर्क क्या हो रहा है, नीचे की ओर टॉर्क डेवलप हो रहा है। नीचे की ओर टॉर्क क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। यहां भी देख लीजिए, यहां भी देख लीजिए सर, अगर मैं कह रहा हूं फ्लक्स का डायरेक्शन ये है और यहां करंट क्या है, नीचे की ओर, तो टॉर्क ऊपर की ओर। तो ये अगर धंसेगा तो ये ऊपर उठेगा, तो सही में घूमने के लिए सही हो, यही इक्वेशन चाहिए। तो इसमें टॉर्क अपवार्ड लगेगा, इसमें टॉर्क क्या लग रहा है, अपवार्ड। और ये आसानी से घूमता है, ये आसानी से क्या होता है जी, घूमता है। अब समझिएगा मैंने कब बताया, अगर देखिएगा, अगर आपने सिर्फ डीसी अप्लाई किया तो डायरेक्शन ऑफ करंट सेम, पोल यहां एन बनाए तो एन ही बना रहेगा क्योंकि करंट तो चेंज हो नहीं रहा, सेम डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो पोल यहां एन बना, यहां एस बना है, ओके, यहां एन बना, यहां एस बना, तो फ्लक्स हमेशा कॉन्स्टेंट, डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा कॉन्स्टेंट, तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क हमेशा कॉन्स्टेंट इन केस ऑफ डीसी, इन केस ऑफ डीसी। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो डीसी तो हो गया, एसी अप्लाई करके देखिए सर, एसी में क्या होगा देखिएगा, अगर पॉजिटिव हाफ की चर्चा कर लूं, आगे मैं बताऊंगा क्लियर से, और चीज क्लियर से लिख के यहां चूंकि डायग्राम बना हुआ है तो इसलिए मैं चर्चा कर लेता हूं सर। जब पॉजिटिव हाफ की चर्चा होगी मतलब कि इतने टाइम तक ये इसी डायरेक्शन से करंट जाएगा और दूसरा हाफ साइकिल में बात करूंगा तो रिवर्स डायरेक्शन से करंट आएगा, दो ही बात होगी। आइए तो अगर मैं पॉजिटिव हाफ की बात करूं तो करंट यहां से गया और सर ये तो ऐसा ही काम किया जैसे डीसी कर रहा था, इसी डायरेक्शन से जा रहा था, तो ठीक है सर, एन पोल बना, डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है और फील्ड यहां भी एस बना है, तो फ्लक्स ऐसे, ध्यान से समझिए सर, ये मोटर जैसा मोड होगा था, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, कहीं राइट हैंड ने लगा देना, राइट हैंड ऑलवेज एक्ट एज इन जनरेटर और लेफ्ट हैंड ऑलवेज इन मोटर, ओके। नाउ सर फ्लक्स ये डायरेक्शन रहा, करंट ये रहा, तो टॉर्क सर उसी डायरेक्शन में लगा, कोई दिक्कत नहीं है पॉजिटिव हाफ में, ओके। और इसी तरह उधर से भी हो जाएगा। जब नेगेटिव हाफ की चर्चा होगी, अब नेगेटिव हाफ की चर्चा होगी तो देखिए सर, अब करंट इधर से जाएगा सर, करंट इधर से तो यहां क्या बन जाएगा उस टाइम सर, एन पोल, यहां क्या बनेगा, उल्टा हो गया ना डायरेक्शन ऑफ करंट, उल्टा हो गया था सर, यहां बन एन और यहां क्या हो जाएगा एस, मतलब अब डायरेक्शन ऑफ फील्ड कैसा हो गया सर, इधर से इधर, डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या हो गया सर, इधर से इधर। और जब डायरेक्शन ऑफ फील्ड इधर से हुआ तो इस वाइंडिंग से होकर करंट गया, तो करंट भी बेचारा उल्टा हो गया, करंट भी क्या हो गया, उल्टा हो गया। देखिए ये करंट को भी जो इधर से जाना चाहिए था वो करंट भी अब क्या हो जाएगा जी, उल्टा हो जाएगा, है ना, करंट क्या हो गया, उल्टा। तो देखिए क्या, जब दोनों चेंज कर जाए तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क हमेशा सेम होता है, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन न्यूमेरिकल से। देखिए क्या हुआ सर, ये करंट था और ये फील्ड था, है ना, पीएमएमसी में यही नहीं हो रहा था कि एक बदल जा रहा था दूसरा नहीं बदल रहा था, तो वो काम ही नहीं करता था, इसमें दोनों बदल जा रहा है। देखिए जब करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ तो सर जो पोल इधर से इधर जा रहा था अब ये पोल इधर से इधर आने लगा, और जो डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर से जा रहा था वो क्या करा, नीचे से जाने लगा। तो देखिए डायरेक्शन ऑफ टॉर्क अभी भी कहां है, नीचे की ओर ही है। तो जब पॉजिटिव हाफ है तब भी डायरेक्शन ऑफ टॉर्क नेगेटिव था, नीचे की ओर था, और जब डायरेक्शन ऑफ ये नेगेटिव आ गया, क्या आ गया सर, इसका नेगेटिव आ गया आपका कर्व का साइड, तब भी टॉर्क देखिए उधर है। देखिए फिर से समझ लीजिए सर, करंट उल्टा, फ्लक्स इधर, तो सर टॉर्क अभी भी कह रहा है कि हम पीछे ही लगेंगे। तो यानी अगर एसी हो, यानी प्लस माइनस वाला नेचर हो, तब भी डायरेक्शन ऑफ टॉर्क एक ही डायरेक्शन में रहेगा, इसलिए घूमेगा, और जब डीसी रहेगा तब भी ये घूमेगा। तो इस इंस्ट्रूमेंट को एसी हो डीसी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों, अगर करंट चेंज हो रहा है तो फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, इसीलिए डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज ऑलवेज सेम। बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, बताएंगे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। एसी डीसी दोनों में काम करेगा कि नहीं, बोलिए इज इट क्लियर और नॉट।
चलिए राजू कह रहा बढ़िया, संतोष गुड एक्सप्लेनेशन, डाउनवर्ड्स ओके, अभिषेक नेहरा मेरा क्लियर ओके। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्लियर है सभी को, क्लियर है। मैं इसको अच्छे से लिख दूंगा, ये तो छोटा चूंकि डायग्राम इतना बड़ा यहाँ पे बना हुआ है तो समझाने के लिए यहाँ पे आसान हो गया, अदरवाइज मैं इसको छोटे में समझाऊंगा, अभी सब कुछ समझाऊंगा बारीकी से, एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा माइंड में आपके, क्रिस्टल क्लियर होगा जी। आइए जी आइए, यस यस ओके। नौ, आपको ये भी समझा दिया अबाउट पोल के बारे में, है ना, कई बच्चे के कन्फ्यूजन रहते हैं। फाइनल जब मैं करवा दूंगा ना तो आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगी कि हाँ ये चीज़ नहीं समझा सर, ये चीज़ नहीं समझा। फाइनल अगर करा दूंगा, ये इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट था जो वहाँ पे उतना बड़ा था, ये इतने बड़े इंस्ट्रूमेंट को ये एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट में दिखा दिया, और ये सीरीज में जाके अब ये कितना रीड करेगा बता दे रहा है आपको, बता दे रहा है ये आपको, है ना। तो नाउ सर, वर्किंग ऑफ एडी टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में, फोर एमीटर और वोल्ट मीटर की जब भी बात होगी, कनेक्ट फिक्स्ड कॉइल एंड मूविंग कॉइल इन सीरीज, ये भी बात हो गई। चलिए आगे बात कर लेते हैं, ये सब रफ कर देता हूँ, आप लोग नोट करेंगे तो अपने पेज में ही सबको नोट करना इसको, चूंकि मेन पेज में रखने से कोई फायदा नहीं है ना, अपने नोट कर लेना कि हाँ ऐसा ऐसा चीजों समझाया था। अब बात करता हूँ, When we apply DC, अगर अपन क्या करते हैं DC अप्लाई करते हैं तो होता क्या है, कोई भी लोड है, ठीक है सर कोई भी लोड है, कोई भी लोड है, इसके सीरीज में हमने क्या यूज किया एमीटर, इसके सीरीज में हमने क्या यूज किया एमीटर, है ना, ये है DC, ऑब्वियसली सर करंट गया, ये है लोड और ये इससे गुजरा, इससे करंट कहीं ना कहीं गुजर रहा है और ये रीडिंग दे रहा है, ये रीडिंग दे रहा है। तो सर जब आप DC अप्लाई कर रहे हो तो हुआ क्या, देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट सर ऐसा था, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या था, इंस्ट्रूमेंट की बात करिए, शॉर्ट नोट आपको तो बनाना ही चाहिए, शॉर्ट नोट तो हमेशा बनाना चाहिए। सर दिए डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है, सर ये ऐसा है, अगर DC की बात करें तो अगर यहां से आपने पॉजिटिव दिया तो डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा, और फ्लक्स का डायरेक्शन हमेशा ऐसा, तो टॉर्क का डायरेक्शन देखिए DC केस में, DC केस में डायरेक्शन ऑफ करंट आपने ऐसा दिया और फ्लक्स का डायरेक्शन आपका क्या है जी, ऐसा है ना। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या है, डाउनवर्ड, टॉर्क जो डेवलप हुआ बस DC में, तो डायरेक्शन हमेशा इसका यही रहेगा, इसका यही रहेगा, तो एक टॉर्क उत्पन्न हो गया, काम खत्म, ये वर्क कर रहा है, वर्क कर रहा है इसमें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से काम करेगा, है ना, आपको रीडिंग देगा, है ना, ऐसे कंडीशन में रीडिंग देता है। अभी आपको डेरिवेशन भी थोड़ा सा करना है, हालांकि पूरा डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, पूरा डेरिवेशन कराने का कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं है ना। मैं अगले हालांकि कुछ वीडियो में ऐप पर आपको डेरिवेशन सब करा रखा हूँ, पर यहाँ पे डेरिवेशन की कोई नीड नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल इनफ इनफ मच मोर सफिशियंट, अभी रुको तो सही, अभी रुको तो सही, अभी हुआ कहाँ है, अभी हुआ कहाँ है, अभी पार्ट बहुत बाकी है। सो व्हेन वी अप्लाई इन AC, व्हेन वी अप्लाई मैं एक बात बताता हूँ, एक बात आप लोगों से बताता हूँ, मैं चीज़ों को अभी बताता हूँ, एक्चुअली हो क्या रहा है, होता क्या है ना, मैं इतनी आसान कर देता हूँ किसी भी चीज़ को, इतना आसान कर देता हूँ, जब बच्चा उस चीज़ को समझ जाता है तो फिर उसको लगता है कि अच्छा ये तो समझ गया, तो मतलब इतना आसान है क्या, तो उसको ये लगता है, अगर इसी चीज़ को घुमा घुमा के इतना बता देता, घुमा घुमा के उसके माइंड पे हेडेक लगता, तो कहता
यार कितना चीज पढ़ने को है, बहुत टफ है ये चीज, इतना टफ है। फिर कहता है, लगता है हाँ बहुत भारी है, अब ये तोप है, अब ये बहुत बड़ा है। तो मैं देखता हूँ सर, मैं रीजनिंग कराता हूँ तो बच्चों को रीजनिंग इतना आसान करा देता हूँ तो वो कंफ्यूज होता है कि क्या इतना ही आसान पूछता है। मतलब सब चीज समझ गए, वो अपने आप ये समझ जाता है कि सब कुछ समझ रहा हूँ। फिर लगता है कि यही यही मतलब हो गया क्या। तो दिक्कत ये है, और उसी को कोई कॉम्प्लेक्स बना दे, उन्हीं टॉपिक को इतना कॉम्प्लेक्स बना दे, अगर ना समझ में आए, 4 दिन के बाद आए, 2 साल के बाद समझ में आए, 1 महीने के बाद समझ में आए, फिर कहेगा कि हाँ अब लगता है समझ। जबकि उसको समझने के लिए आपको 5 मिनट का टाइम चाहिए, 10 मिनट का टाइम चाहिए था, आपने 2 महीने में समझे, तब लगता है कि, जब नहीं समझे तो आपको लगता है ये भारी भरकम है, बढ़िया है। लेकिन यकीन मानिए, मैं जो भी चीज कराता हूं, बच्चे जब समझ जाते हैं, सिलोलिज्म, आप रीजनिंग का इतना टफेस्ट पार्ट होता है, आपने देखा होगा सिलोलिज्म बहुत टफ पार्ट होता है, बट मैं बच्चे को जब कराता हूं ना तो वो कहता है ये तो ऐसे ही निकल गया सर, इतना आसान है क्या। जबकि वो वेन डायग्राम से बना बना के परेशान रहता है, और फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि जो बनाया हूं वो सही है। तो ये दिक्कत आती है, ये बहुत बच्चे के साथ दिक्कत चलता है। एनफ, हाँ सर, इसीलिए आपसे पढ़ने का मन करता है। ओके, चलिए, ये एक मैं टेंडेंसी रहता है। सो जब चीजों को आप आसानी से समझते हो तो आपको लगता है ये अच्छा इतना आसान था क्या, और वही को घुमा घुमा के पढ़ो तो फिर लगता है अरे यार ये तो बहुत टफ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए, सो हमने एक अप्लाई दिया कि हमने डीसी अप्लाई किया। दूसरी बात, व्हेन वी अप्लाई एसी, तो एसी के साथ चर्चा क्या करना होगा कि सर साइनोसोइडल इनपुट होगा एसी का, तो इनपुट जो होगा वो साइनोसोइडल होंगे। बिल्कुल श्योर सर, साइनोसोइडल होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर वोल्टेज की बात की जाए या करंट की बात की जाए, वी ऑफ टी या आई ऑफ टी, वी ऑफ टी या फिर आई ऑफ टी की चर्चा करूं, है ना। तो सर यहाँ पे देखिए दो कंडीशन बनेंगे कि सर, एक तो अब इफ पॉजिटिव, पहला कंडीशन में लेता हूँ क्या, पॉजिटिव हाफ लेता हूँ, है ना। तो सर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, ये है डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है जी, ये है, और दूसरा डायरेक्शन ऑफ फील्ड उस टाइम क्या है, ये है। तो तीसरी बात क्या होगी सर, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क डाउनवार्ड होता है, बिल्कुल डाउनवार्ड हो गया, लेकिन पीएमएमसी में अपवार्ड हो जाता था जस्ट अगला साइकिल में, क्यों, क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन नहीं बदलता था, है ना। चलिए, हाँ सर रियली में बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल। चलिए नो, सो ये तो एक कंडीशन हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, नेगेटिव हाफ। जब आप नेगेटिव हाफ की चर्चा कर रहे हो तो नेगेटिव हाफ में क्या हो रहा है सर, देखिएगा नेगेटिव हाफ में मतलब अब करंट इधर से जाएगा, इधर से आएगा, नेगेटिव हाफ में तो फ्लक्स का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों चेंज हो जा रहा है, फ्लक्स का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है। तो अब मैं करंट क्या ले लूंगा सर, उल्टा, करंट क्या ले लूंगा, उल्टा, ये लो है ना, करंट लिया उल्टा, और जो फील्ड है वो भी लिया उल्टा, है ना, दोनों उलट गए, है ना। देखिए वो इधर था तो इधर आ गया, ये इधर था तो ऊपर से आने लगा। तो अब देखिए दोनों को जब चेंज किया, करंट का डायरेक्शन ये, फील्ड का डायरेक्शन ये, तो देखिए टॉर्क अब भी नीचे की ओर ही जा रहा है, टॉर्क अब भी कह रहा है वही डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है जिधर था, टी डाउनवार्ड, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है वो अब भी डाउनवार्ड ही आ रहा है। तो एसी हो, उसका साइकिल पॉजिटिव हाफ में हो या नेगेटिव हाफ में हो, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क हमेशा सपोर्ट करेगा, इसलिए पॉइंटर एक ही दिशा में आगे की ओर लगातार बढ़ता रहेगा। पॉइंटर क्या करेगा, हमेशा एक ही दिशा में बढ़ता रहता है आगे। ओके, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल टाइप, रेजोनेंस टाइप की वीडियो चाहिए इसको। चलिए चलिए आगे देख लेंगे, है ना, वक्त ही नहीं मिलता छोटू, क्या बताऊं, वक्त नहीं मिल पाता आपको, टाइम का मुझे नहीं पता,
मैं फिर भी आप लोगों के लिए टाइम, आपको पता है 10-10 मिनट पर करके क्लास आपके शेड्यूल बढ़ते हैं, कभी 5 मिनट से आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि उस टाइम इतना इंगेजमेंट होती है कि 5 मिनट से आपके क्लास को शिफ्ट किया जाता है, कभी 10 मिनट से आपके क्लास को शिफ्ट किया जाता है, आपने देखा होगा। सो ये एक अलग लॉजिक हो जाता है। सो ये ड्यू टू क्यों हो रहा है सर? टाइम के कारण, टाइम ही एक ऐसा इशू है, वक्त नहीं मिल पाता। चलिए, नहीं तो मैं तो हर दिन क्लास देता रहूँ यहाँ पे। चलिए नाउ मैं बात करूंगा क्या सर, हियर लैंग्वेज लिखता हूं यहां पे, हियर इन केस ऑफ एसी, हियर इन केस ऑफ एसी डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज ऑलवेज, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज ऑलवेज सेम बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ करेंट, द डायरेक्शन ऑफ करेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ करेंट एंड फील्ड बोथ चेंजेस एट ए टाइम, हेंस डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, हेंस डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज ऑलवेज सेम, इज ऑलवेज सेम होता है। इसीलिए डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या होता है जी, हमेशा सेम ही रह जाता है। यही काम डीसी मोटर के अंदर होता है। अगर कहे दे किसी एक फील्ड की या आर्मेचर के करंट को चेंज कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में डायरेक्शन ऑफ टॉर्क रिवर्स होता है। लेकिन कह दे कि सिर्फ सप्लाई पोलैरिटी को चेंज कर दूं, तो क्या डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स होगा? ऐसा नहीं होता, हमेशा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सेम रह जाता है। ओके चलिए सर, सर आप इतनी टीचिंग करते हो कि आप इंजॉय करते हो कि गुस्सा आता है इतनी सारी क्लास में। ऐसा नहीं है, इंजॉय ही करता हूँ हर जगह, बिना इंजॉय किए पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। इरिटेशन से क्लास आप बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हो, आप इंजॉय करते हो। जैसे मैं आया क्लास के अंदर, माइंड में जो आते जा रहे हैं चीज़ों को देते जा रहा हूँ, कितना बेहतर तरीके से बताऊँ, कितनी चीज़ों को समझ। अब ऐसे नहीं आया गोली गिरफ्तार से पढ़ाया, बारूद गिरफ्तार से बच्चा भी छापा चला गया, आप समझते रहे 1 घंटा बाद कि क्या पढ़ाया था, अब बैठ के 2 घंटा समझने में लगाए। मैं हमेशा वही चीज़ कराऊंगा जो हाथों हाथ समझ जाओ, है ना, ये रहे ना हाथों हाथ लिया मैगी, हाथों हाथ नूडल्स। सो ऐसे ही हाथों हाथ लीजिए, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ गोली गिरफ्तार से कराऊँ और तुम भी रख लो, अच्छा कोई नहीं 1 घंटा बाद समझ लेंगे, रूम पे जाके बढ़िया समझेंगे। यहाँ 1 घंटा 2 घंटा लगाए, वहाँ भी 2 घंटा लगाए, समझ में आए तो ठीक, नहीं तो फिर कल के लिए टास्क रह जाएगा। सो ऐसा नहीं है, थोड़ा पीछे पेशेंस से पढ़ते हैं, थोड़ा स्थिर से ही करते हैं, पर एक एक चीज बारीकी से आपके माइंड में आना चाहिए, ये हमेशा मेरी टारगेट होती है। ओके चलिए नाउ, तो दिस इज ऑल अबाउट कि एसी पे कैसे काम किया, डीसी पे कैसे काम किया, पीएमसी। नाउ जैसे हमेशा टॉर्क इक्वेशन तो निकालते ही थे, पीएमएमसी में भी हमने टॉर्क इक्वेशन निकाला था और उसका कंट्रोलिंग टॉर्क देखा था और हमने डैम्पिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क देखा। तो टॉर्क इक्वेशन जी आपको करना पड़ेगा, टॉर्क इक्वेशंस करने होंगे, टॉर्क का रिलेशन निकालना पड़ेगा। यहाँ टॉर्क का रिलेशन नॉन लीनियर निकलता है, तो नॉन लीनियर के क्या ड्रॉबैक्स मिलेंगे, है ना, इस इंस्ट्रूमेंट के किस तरीके से एप्लीकेशंस होते हैं, कैसे इसका वाटमीटर बनाएंगे, तो बहुत सारे। ये इंस्ट्रूमेंट काफ़ी टाइम लेगा, इसको वाटमीटर भी इसका पढ़ना पड़ेगा, चूंकि यहीं पर डायग्राम चल रहा है, सब चीज़ चल रहा है, तो इससे वाटमीटर कैसे बनते हैं इसको हम देख लेंगे, तो वाटमीटर भी पढ़ेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये ऐसा वाटमीटर होगा जो एसी और डीसी दोनों पर काम करता है, जबकि इंडक्शन टाइप का वाटमीटर हमेशा एसी पर ही काम करता है। तो कई बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज करते हैं, तो सारी चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर होता जाएगा, हम आगे भी इस क्लास को कंटिन्यू करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट अगला जो सेशन होगा रिलेटेड टू टॉर्क होगा, कि कैसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न हुआ, ये कैसे आगे की ओर घुमा है, कंट्रोलिंग स्प्रिंग कैसे कंट्रोल कर रहा है, कैसे इक्विलिब्रियम में आएगा, टॉर्क का इक्वेशन क्या आएगा फाइनली, तो एमीटर के बारे में, वोल्टमीटर के बारे में नेक्स्ट क्लास में डेरिवेशन होगा, जो क्लास होगा हमारा मंडे को। ओके चलिए, ओके बाय बाय, टेक केयर यू ऑल।
ओके कार्तिक, थैंक यू राहुल सिंह, थैंक यू। ग्रॉनियो कल ऑफ है क्या? बिल्कुल जी, मास्टर को छुट्टी नहीं दोगे? हैं तुम लोग चाहे मन चाहे छुट्टी मार लो, जब चाहे तब छुट्टी मार लो, क्लास नहीं देखना, रिकॉर्डेड देख लेंगे। और सर जो है संडे टू मंडे एकदम चलते रहे। चलिए चलिए, मिलता हूँ मैं मंडे को। ओके बाय बाय।